बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें कुछ याद नहीं रहता है, सर हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, क्या करें कैसे करें। और आप लोग बहुत से स्टूडेंट मेरे कहते हैं सर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, सर भूल जाते हैं, क्या करें सर। तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता आप लोगों, बहुत से लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती। तो बिना एकाग्रता के, बिना कॉन्सेंट्रेशन के याद कैसे रहेगा, चाहे वो पढ़ा हुआ हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए। अगर आपका दिमाग एकाग्र नहीं है ना, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो। दिमाग में आपने खिचड़ी भर रखी है, अब आप स्टूडेंट हो, आपने बहुत सारी खिचड़ी भर रखी है, अधिकतर तो सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। आप में से स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, बहुत से जन ऐसे करते हैं, तो आपके अंदर तो खिचड़ी भरेगी ना, इंस्टाग्राम की खिचड़ी भरेगी, व्हाट्सएप की खिचड़ी भरेगी, फेसबुक की खिचड़ी भरेगी, आसपास यार दोस्तों की खिचड़ी भरेगी, तो दिमाग में तो सारा कचरा इकट्ठा होगा ना, तो याद कैसे रहेगा एकाग्र। बिना एकाग्रता से क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर दोष देते हो कि सर हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, सर हम खूब पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में फिट नहीं बैठता, कैसे बैठेगा। आप एकाग्रता के साथ कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं बैठेगा। एक छोटी सी स्टोरी है स्वामी विवेकानंद की, देखना एकाग्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। देखिए अभी आप, एक बार स्वामी विवेकानंद जर्मनी जाते हैं अपने दोस्त के पास किसी काम से, और उस दोस्त का नाम होता है पोल डायसन। वो उनके घर पर रुके होते हैं, तो पोल डायसन कहते हैं कि स्वामी जी आप ये बैठिए, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगा, देखना। स्वामी जी कहते हैं ठीक है आप बाहर जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ। तो मेज पर एक बुक पड़ी हुई होती है, तो स्वामी जी उस बुक को लेकर पढ़ने लग जाते। उस बुक में 200 कविताएं होती है, कितनी 200, देखना आप। वो कविता पढ़ते पढ़ते कब 3-4 घंटे बीत जाते हैं, स्वामी जी को पता ही नहीं चलता। पोल डायसन घर पर आते हैं, स्वामी जी को कहते हैं स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी सुनते नहीं है, उनका दिमाग किधर रहता, उस बुक में रहता। वो वापस कहते हैं स्वामी जी हाथ से। फिर अचानक स्वामी विवेकानंद कहते हैं अच्छा पोल डायसन, अच्छा आप आ गए, अच्छा बेटी। पोल डायसन को थोड़ा अजीब लगाया, क्या स्वामी जी ने मेरी इंसल्ट की यार। मैं घर के अंदर आया, मैंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी मैं आ गया, फिर भी स्वामी जी ने मुझे इग्नोर किया। तो उन्होंने बोला स्वामी जी यार आप तो मेरे को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो यार, मैं आ गया और आप इस बुक में व्यस्त हो यार, ये गलत बात है यार स्वामी जी यार। तो विवेकानंद जी क्या कहते हैं पोल डायसन, मैं यार ये बुक्स की कविताएं पढ़ रहा था, तो मेरा माइंड सिर्फ इधर ही था। तो पोल डायसन क्या कहते, नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो यार, कविता इतना कोई एकाग्र होकर कविता पढ़ सकता है, कोई इंसान आए पता ही नहीं चले यार। तो स्वामी जी क्या करते हैं पता है आपको, उन 200 कविताओं और एक किताब को पोल डायसन के सामने आगे करते हैं और कहते हैं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, नहीं है, ये बुक लीजिए और इसमें से कोई सी भी कविता उठाकर मुझे पूछ लीजिए। पोल डायसन को सडन सरप्राइज होता है कि यार स्वामी जी यार 2 घंटे में पूरी 200 कविताएं क्या मुख जबानी याद कर सकते हैं। तो उसने स्वामी जी की परीक्षा ली, उसने तरह तरह के पेज उठाकर स्वामी जी से पूछे। स्वामी जी ने हेर एज इट इज ऐसे ऐसे बता दिए, 2-3 बार पूछा उसने स्वामी जी से और 200 कविताएं मुख जबानी याद हो गई स्वामी जी को। तो पोल डायसन स्वामी जी को आगे नतमस्तक हो गए और कहने लगे स्वामी जी आपने ये सब कैसे किया, 2 घंटे में 200 कविताएं याद कर ली आपने, पूरी बुक याद कर ली, हाउ। तो स्वामी जी कहते हैं कि यही होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपका दिमाग सिर्फ एक चीज में होगा, ओनली एक चीज में होगा, और आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे ना, तो आपको हर चीज याद रहेगी। आप कोई भी काम करोगे, बिजनेस का, समाज का, नौकरी का, एक काम करोगे, दिमाग में खिचड़ी नहीं होगी, तो आपको सब याद रहेगा, कुछ नहीं भूलोगे। तो पोल डायसन ने कहा कि मैं आपकी एकाग्रता को मान गया और आज से मैं भी यही काम करूंगा, एकाग्र होकर पढ़ूंगा, एकाग्र होकर काम करूंगा और एकाग्र होकर हर चीज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे याद रहते। तो स्वामी जी कहते हैं जीवन में कि दिमाग में खिचड़ी पैदा मत करना, जो भी काम करो एकाग्र होकर करना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस अपने काम पर रखना। स्वामी जी कहते दावा है मेरा आपसे कि आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे कोई भी काम हो, चाहे आपकी बुक्स हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप याद कर रहे हो पढ़ाई के लिए, आप कभी नहीं भूलोगे।
तो कुछ भी करो ना तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करना, कभी नहीं भूलोगे।